monitoring, tracking the health of suspected patient or unke contacts, people who are staying at home quarantine, unka management, informing citizens with respect to up-to-date information, साथ ही predictive analysis using heat maps, real-time tracking of ambulances और training of doctors, healthcare professionals, साथ ही telecounseling भी technology को use कर कर की जा रही है. आज एक बहुत ही मुख्य document हम लोगों ने अभी अपनी website पर upload किया है. इस document के तहत COVID patients को manage करने के लिए hospitals और जो facilities हैं उनको हमने classify किया है, जिसके तहत हम लोगों ने कोविड को मैनेज करने के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज को तीन भाग में बांटा है. पहली फैसिलिटी को जिसको हम कहते हैं कि कोविड केयर सेंटर, जहां पर प्राइमरीली माइल्ड या वेरी माइल्ड और सस्पेक्ट केसेस को रखा जाएगा. ये मेकशिफ्ट फैसिलिटीज भी हो सकती हैं, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट फैसिलिटीज जैसे हॉस्टल्स, होटल्स, स्कूल्स, स्टेडियम्स, लॉजेज, उस टाइप की फैसिलिटीज हो सकती हैं. इसके साथ ही जो हमारी इससे पहले क्वारंटाइन फैसिलिटीज थी उनको भी अपग्रेड कर हम कोविड केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें हमने स्टेट से कहा है कि जो भी ये कोविड केयर सेंटर है ये एक कोविड केयर हॉस्पिटल और कोविड केयर हेल्थ सेंटर से मैप्ड हो, ताकि यहां पर जो पेशेंट्स रखे जाएं, जो कि जैसे मैंने कहा है जो माइल्ड हैं या सस्पेक्ट केसेस हैं, अगर नीड हो तो उनको किस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में फर्दर केयर के लिए लिया जाना है वह क्लैरिटी वहां पर फील्ड पर हो. सेकेंड टाइप ऑफ सेंटर्स आर डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर. इससे पहले मैंने बताया था दे आर केयर सेंटर, दीज आर हेल्थ सेंटर्स. और इन सेंटर्स में उस टाइप के पेशेंट जो कि क्लिनिकली मॉडरेट लेवल ऑफ सीरियसनेस है उनको मॉनिटर किया जाएगा. ये या तो कोई फुल हॉस्पिटल हो या कोई डेडिकेटेड ब्लॉक हो किसी हॉस्पिटल में, जिसकी प्रॉपर ट्रायजिंग, सेपरेट एंट्री एग्जिट या जोनिंग हो, ताकि किसी भी तरह के इन्फेक्शन स्प्रेड का खतरा ना हो. और इन सब हॉस्पिटल्स में बेड्स एश्योर्ड ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ होने चाहिए. तीसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स. दीज आर द हॉस्पिटल जो कि कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्राइमरी प्रोवाइड करेंगे जो कि हमारे सीवियर और क्रिटिकल केसेस हैं. ये हॉस्पिटल भी या तो फुल हॉस्पिटल हो या डेडिकेटेड ब्लॉक्स हो, और इनमें फुली इक्विप्ड ICU फैसिलिटीज, वेंटिलेटर और बेड्स विद एश्योर्ड ऑक्सीजन सपोर्ट होना चाहिए. इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के द्वारा हम लोग स्टेट्स को भी और अपने सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के जितने हॉस्पिटल्स उनको एक गाइडेंस ये प्रोवाइड करना चाहते हैं कि किस टाइप से हमें केसेस फील्ड लेवल पर मैनेज करने हैं. इसके साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि आज होम मिनिस्ट्री ने मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुचारू रूप से और हैसल फ्री रहने के लिए स्टेट्स और यूटीज को विशेष ध्यान देने के लिए भी निर्देश दिए हैं. भारतीय रेलवे ने भी 2500 कोचेज में 40,000 आइसोलेशन बेड्स तैयार कर दिए हैं. वह एक दिन में 375 कोचेज को आइसोलेशन बेड्स में बदलने का कार्य कर रहे हैं. यह कार्य अभी 133 लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री चल रहा है. आज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी एक जनरल गाइडलाइन इश्यू की है जिसमें कि आयुर्वेद द्वारा इम्यूनिटी बूस्टिंग कैसे की जा सकती है उसके बारे में बताया गया है. साथ ही जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बातचीत की थी. इसमें कोविड के रिलेटेड हमारी इस लड़ाई में हम सभी को मिलकर मोटिवेटेड, डिटरमिंड और विजिलेंट रहने पर उन्होंने उसके महत्व पर जोर दिया था. उन्होंने कहा था कि सभी मंत्रीगण राज्य और जिला प्रशासन से संपर्क में रहते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल माइक्रो एक्शन प्लान को तैयार कराएं. साथ ही बेनिफिशियरी को सीमलेस तरीके से गरीब कल्याण योजना का लाभ मिले उसको फॉलोअप किया जाए. उन्होंने ये भी कहा था कि रूरल एरियाज और ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को लोकप्रिय किया जाए ताकि उसके इस्तेमाल से प्रॉपर ट्रैकिंग हम फील्ड लेवल पर कर पाए. उन्होंने इस पर भी जोर दिया था कि मंडियों के साथ किसानों को जोड़ने के लिए जैसे ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज हैं, उसी तरीके से ट्रक एग्रीगेटर्स का भी उपयोग करना चाहिए, उसको भी एक्सप्लोर करें. उन्होंने ये भी कहा था कि एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान तैयार करें और वॉर फुटिंग पर COVID-19 के इकोनॉमिक इंपैक्ट से लड़ने के लिए तैयार रहें. इसके साथ ही मैं आज आप लोगों को दृष्टि में एक और स्टडी के बारे में बताना चाहूंगा. इसके बारे में जैसे हम हमेशा बात करते आए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, ये जो हमारी एक्सरसाइज है इसका क्या महत्व है, तो जिसके बारे में एक स्टडी अभी रिसेंटली आई है जिसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से हम केस को मेजर करते हैं तो एक इसमें कॉम्पोनेंट होता है आर नॉट. आर नॉट का मतलब होता है कि एक बीमार आदमी
कितने और लोगों को संक्रमित इन्फेक्ट कर सकता है। कोरोना वायरस के संबंध में इस एक्सरसाइज को इसको आर नॉट को अराउंड 1.5 से 4 के बीच में आईसीएमआर की स्टडी में पाया गया है। तो इस स्टडी ने इसको एग्जामिन करके बताया कि अगर मान लीजिए हम आर नॉट को 2.5 माने, क्योंकि अभी इसके हर तरह से स्टडी चल रही है, तो अगर हम आर नॉट को 2.5 मान के चलें तो उस केस में एक आदमी अगर कोई भी लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना किया जाए तो वह 30 दिन में करीब 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और अगर हम लॉकडाउन या सोशल एक्सपोजर को 75% कम कर दें तो वही एक इन्फेक्टेड पर्सन केवल 2.5 लोगों को ही इन्फेक्ट कर सकता है। तो मेरी आप लोगों के द्वारा ये फिर से अपील है कि हम लोगों के लिए जरूरी है कि जो एक प्रोसेस गवर्नमेंट स्थाई पे सब लोगों से रिक्वेस्ट की गई है, हम लॉकडाउन मेजर्स को, सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स को अपनाएं। हमें ये समझना चाहिए कि दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड। जैसे कि माननीय मंत्री साहब इससे पहले भी कहते आ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग इज सोशल वैक्सीन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड। मैं आखिर में फिर आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सारे एफर्ट्स हैं कि हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हेल्प अस टू हेल्प यू। धन्यवाद। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता। गृह मंत्रालय की तरफ से मैं आपको अपडेट करना चाहती हूं कि राज्य सरकारें COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठा रही हैं। एक ओर वे जुटी हुई हैं कि प्रतिबंधित पब्लिक मूवमेंट ना हो, दूसरी ओर वे कॉन्टैक्ट्स के मेडिकल स्क्रीनिंग को बढ़ा रही हैं। लॉकडाउन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबका सहयोग आवश्यक है। आने वाले सप्ताह में कई त्यौहार हैं। इस संदर्भ में कई कम्युनिटी लीडर्स भी आगे आए हैं। उन्होंने कम्युनिटीज को आग्रह किया है और कर रहे हैं कि वे लॉकडाउन के स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन में सरकार का सहयोग दें। एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज का स्टेटस बाय एंड लार्ज सेटिस्फैक्ट्री है। गृह मंत्री जी ने एसेंशियल कमोडिटीज और लॉकडाउन मेजर्स के स्टेटस का डिटेल्ड रिव्यू किया। उन्होंने निर्देश दिया है कि उपयुक्त कदम उठाए जाएं और राज्य सरकारों के साथ मिलकर सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग ना हो, ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्ती से और त्वरित गति से कार्रवाई हो। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स भी इस मामले को फॉलो अप कर रही है। अन्य एसेंशियल कमोडिटीज के साथ गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल्स के मूवमेंट को भी क्लोजली मॉनिटर कर रही है। ट्रक्स द्वारा फार्मास्यूटिकल्स का मूवमेंट काफी हद तक स्टेबलाइज हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा चलाई गई जो लाइफलाइन उड़ान है उसके द्वारा 6 अप्रैल 2020 तक लगभग 152 फ्लाइट्स ने 200 टन से ज्यादा कार्गो ट्रांसपोर्ट किया है। एसेंशियल कमोडिटीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 6 अप्रैल तक रेलवेज ने 8,897 रेक्स या 4,57,296 वैगन्स को लोड किया है। आशा है इन सब कदमों से हम लॉकडाउन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और साथ में सिटीजन को कोई समस्या नहीं आने देंगे। धन्यवाद। आईसीएमआर की तरफ से। टेस्टिंग के बारे में अगर कहूं तो 1,07,006 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। उसमें उस दिन किसी ने पूछा था, मैंने शायद वो अभी आज इन्फॉर्मेशन नहीं लाई। रिपीट टेस्टिंग जो है वो 3 तारीख को 836 थे। मेरे हिसाब से कुछ यानी उसकी डिटेल्स होना तो मैं आपको ढूंढ के बता सकता हूं। तो थोड़ी उसमें जो डिस्क्रिपेंसी दिखती है वो पेशेंट जो पॉजिटिव होता है उसके टेस्टिंग की वजह से दिखती है कि वायरोलॉजिकली वो कब निगेटिव हुआ, जब तक उसको ऑफर करते हैं। जब पिछले दिन में 11,795 यानी 11,795 टेस्ट हो गए, उनमें से 2,530 ये प्राइवेट सेक्टर में हुए थे। करंटली 136 सरकारी लैब्स काम कर रही हैं और 59 प्राइवेट लैब्स को परमिशन दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन मिस्टर रवि, न्यूज 18। लव अग्रवाल जी से मेरा सवाल है कि
तमाम राज्यों की तरफ से ये खबर आ रही है कि राज्य चाहते हैं कि लॉकडाउन को और ज्यादा बढ़ाया जाए, तो उसको लेकर केंद्र सरकार का क्या विचार है, क्या इसको बढ़ाने पर विचार कर रहा है? सर, इसके बारे में इससे पहले भी चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने एक डिटेल अपना उन्होंने नोट इशू किया था। अभी जैसे आपने बताया ये रिक्वेस्ट आ रही है स्टेट से, अगर इसके बारे में कोई भी डिसीजन अप्रोप्रिएट लेवल पर डिस्कशन के बाद लिया जाएगा तो मैं आप लोगों की दृष्टि में ले आऊंगा। एक ऑनलाइन क्वेश्चन, हाउ विल द आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट्स बी मैनेज आफ्टर अप्रैल 15 व्हेन द लॉकडाउन एंड्स? जैसे कि मैं इससे पहले आप सबको बताता आ रहा हूं कि हमारी दो स्ट्रैटेजी थे इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ केसेस। एक हम बोलते हैं क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी, एक हम बोलते हैं जहां पर थोड़े ज्यादा केसेस आते हैं तो अगर वो एक आउटब्रेक एमिनेबल टू मैनेजमेंट। इन दोनों स्ट्रैटेजीज के तहत हम जैसे लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग एक मेजर है, इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट मेजर हम इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के तहत जिस टाइप के केसेस वहां हैं उसके तहत हम उस पर कार्य करेंगे। कि लॉकडाउन को लेकर जो आपने बताया, लेकिन मीडिया में कई तरह की, सोशल मीडिया में कई तरह की इसके फेज वाइज होगा, कुछ ने यही शब्द दिया, कुछ अखबारों ने कि चार फेजेज में होगा, तो ये क्लियरिटी कर दीजिए कि क्या फेज वाइज तय हो चुका है लॉकडाउन का पालन? और कल पीएम ने भी संकेत दिए थे कि जिन जिलों में एक भी केसेज नहीं आया है उन जिलों में आप नॉर्मलसी लाइए, तो क्या इसकी शुरुआत होगी? सर, जैसे आपने कहा है कि जो भी आप ये बातें कर रहे हैं ये सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई डिस्कशन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी क्लियरली आदेश दिए हैं कि जब तक कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना हो तो पब्लिक में कंफ्यूजन, भय की परिस्थिति उत्पन्न होने के चांसेस हैं। जो भी कोई डिसीजन लिया जाएगा बेस्ड ऑन द अवेलेबल फैक्ट वी विल डेफिनेटली ब्रिंग यू टू योर नोटिस, एंड टिल दैट टाइम ए डिसीजन इज नॉट ऑफिशियली कम्युनिकेटेड, जब तक हम आपको ऑफिशियली कोई कम्युनिकेट ना करें तो आप काइंडली उस पर स्पेकुलेट ना करें। दिस इज माई रिक्वेस्ट। मिस्टर सिद्धांत फ्रॉम बियॉन्ड, stockpile when it comes to HCQ, and other than HCQ, what are the other requests globally we are getting for help? We know that medicine is one thing, but other than that, sir, as far as HCQ is concerned, kal bhi maine aap logo ko bataya tha ki HCQ ek particular case mein hi, that is critical patients as well as jo unko health workers hai unko di jayegi, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट आज देश की है उसके ऊपर ऑलरेडी फार्मा मिनिस्ट्री प्रॉपरली उसको एनालाइज कर चुकी है, उसके तहत वो प्रोडक्शन को भी मॉनिटर कर रही हैं, और हम लोग आई कैन अश्योर यू वी हैव सफिशिएंट क्वांटिटीज एज फार एज मैनेजमेंट एज एंड व्हेन नीडेड। प्लीज जस्ट वेट फॉर द अदर पर्सन टू आस्क क्वेश्चन, प्लीज जस्ट वेट, बट जस्ट वेट मिस पैन 153। Mr. Lav Agarwal, Sunil Prabhu from NDTV. Two, three important points. One is that, just to come back on that lockdown, because there is cross purposes. One, there is, you know, high government sources saying that you all are reviewing, you all are looking towards the state's demand for its increase. So we are not creating the news, you are creating the news, and we are going by what you all are sending us, so we need to know. Just one pointed question, state. Second is about the PPP. What exactly, you know, in UK there have been some complaints from China, what have been procured in that version? Are these PPEs that have come from China, are they, you know, of particular standard? Because there have been complaints in this regard. So if you could give us on both those. Yes, sir. So let me kindly again request and reiterate, जैसे आपने कहा है, अगर हम कोई भी निर्णय लेंगे, definitely हम आपकी दृष्टि में लाएंगे, उस तक काइंडली अगर कोई भी स्पेकुलेशन होती है तो पब्लिक के माइंड में किसी भी टाइप के डाउट प्रोड्यूस हो सकते हैं। आई रियली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गो बाय व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, एज एंड व्हेन एनी डिसीजन विल बी टेकन वी विल डेफिनेटली ब्रिंग यू टू योर नोटिस। ओके, एज फार एज द पीपीज आर कंसर्न, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव ऑलरेडी इश्यूड क्लियर डायरेक्शंस की नॉट ओनली पीपीज, N95 मास्क और एनी अदर लॉजिस्टिक्स, फॉर ऑल सच आइटम देर आर क्लियरली डिफाइंड टेक्निकल पैरामीटर्स। एनी आइटम and procured from anywhere which does not qualify into any of those parameters will not be accepted. Last question, 104. Sir, Pauline from India Today. My question is on HCQ itself, because we had a notification from DGFT on the 4th of April which said that this comes under a restricted category. Today we are willing to export it. What changed? And secondly, what I want to know is, has there been some sort of a quid pro quo in us also telling the US that you need to
you know, remove the bans which have been levied as far as the US FDA is concerned, various aspects where we've sought easy access for our pharma company. Ma'am, let me just again explain to you, whatever decisions are taken, they are taken based on the requirement of any particular medicine in the country. And as I just now explained to you, we, pharma ministry, is particularly coordinating on a day-to-day basis what would be the requirement of HCQ in the country, what is the production, what is the availability of API in the country in terms of what further can be produced, and based on that proper matching has been done. And to that extent, further I would really urge and request you that any speculation contrary to what we are trying to explain to you may not be actually yielding any results. Thank you. Thank you very much. Friends, thank you. Madam, I clearly explained to you, speculation of any kind will not really help anyone. That is why again I request you, kindly, whatever we are explaining to, we are very clear as far as the requirement of HCQ is concerned. India will coordinate that we will have the required quantity available with us. Again, I would really urge, as far as the HCQ is to be given, it has to be given into specific cases which are allowed. It has to be also given after the doctor's advice. So any speculation beyond this will really not serve any purpose. Thank you once again. We are coming to you live where the Health Ministry is holding a press conference with the daily updates on India's fight against the coronavirus pandemic. This says India records 4,421 cases of COVID-19 and 114 deaths. Now, India fully prepared to deal with all the symptoms of the virus.